गाइस आप लोग देखिए, ये देखिए गाइस, वैसे तो काफी छोटा है ब्रीडिंग पर्पस के लिए। अरे भाई आजा। हाँ आ जा। है डॉल फेस। हाँ ये वाला भी डॉल फेस है। हाँ इनका प्राइस है 400 रुपए का एक पीस है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखो ये देखिए गाइस नजदीकी से कितने क्यूट क्यूट से यहाँ पर डॉग है। जावा स्पैरोज़ है, आप लोग देखिए। अच्छा इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहता है? लैब्राडोर। इसका नाम ही वोडाफोन है। वोडाफोन है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई की सबसे फेमस मार्केट क्रॉफर्ड मार्केट, और अभी जस्ट मेरे सामने ही है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए इस मार्केट के अंदर ना हर एक चीज़ की शॉप है, मतलब आप चॉकलेट, ड्राई फ्रूट और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बट आज स्पेशली हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए पैट्स मार्केट। तो यार हर तरीके की पैट मिलते हैं यहाँ पर, इगुआना, कैट और डॉग, मतलब काफ़ी यूनिक यूनिक तरह के जो है पैट्स मिलते हैं यहाँ पर। आप लोग आकर के शॉपिंग कर सकते हो, और आप शॉपिंग भी ना करें तो यहाँ पर आकर अंदर घूमने का मज़ा ही अलग है। सो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में मज़ा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस ये मार्केट के अंदर काफ़ी सारी शॉप्स है, सबको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लोर कराएंगे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रॉपरली बना करके आप लोगों को बता देंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ की जो है वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा, आपको वही वही टॉपिक्स पर अपन वीडियो बना करके देंगे। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पैट्स, अभी सामने आई है अपनी मंजिल पैट्स की मार्केट। बहुत सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पर, फ्रूट्स का भी है, मेरे चैनल पे डली हुई है व्लॉग, जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली गाइज अंदर आ गए हैं पैट्स वाले डिपार्टमेंट में, तो आपको जो है सारे पैट्स वगैरह हम लोग बारी बारी से करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है जर्मन शेपर्ड, आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार लग रहा है। अभी तो ये बच्चा ही है, अभी पता करते हैं इसके बारे में भी। और यहाँ पर देखो ये यहाँ भी क्यूट क्यूट से डॉग है वाइट कलर के, और अंदर हम लोगों को ना इगुआना भी देखने के लिए मिलेगा, और काफ़ी एक स्पाइडर भी है मार्केट के अंदर जो कि 15-16 हज़ार रुपये का उसका प्राइसिंग है, अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखिए गाइस नज़दीकी से, अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया लग रहा है। बड़े होने के बाद तो काफ़ी शानदार लगेगा ये। और आप लोग यहाँ पर देखिए कितने क्यूट क्यूट से यहाँ पर डॉग है, ये देखो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या भाई क्या नाम है इसका? अमेरिकन स्पिट्स बोलते हैं इसको, अमेरिकन स्पिट्स। अच्छा तो क्या कहते हैं, ये अभी कितने ईयर का है? ये अभी 50-60 डेज के बीच के बच्चे, 45 डेज के बाद रेडी हो जाते हैं लोग, मदर फिट साइड जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब इसका प्राइसिंग क्या रहता है? 8,000 में मेल बैठेंगे आपको, फीमेल 7,000 में। उधर भाई जर्मन शेपर्ड भी अपने पास? हाँ सिंगल कोट में, एक्चुअली GSD बोलते हैं उसे, जर्मन शेपर्ड, वो आपको ना 12,000 रुपये में आ जाएगा। अच्छा 12,000, 12,000 में आएगा। एयर क्वालिटी भी आती है, और वो तकरीबन आपको 18-25,000 के बीच में बैठेगा। ये देखिए गाइस, क्या बात है, क्या बात है, जर्मन शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड बढ़िया है। जिसका वाइट फेस है वो पाइनएप्पल है, और दूसरा वाला ग्रीन सैनेमन, सैनेमन। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है भाई। इसका प्राइसिंग क्या होता है? क्या वाइट फेस वाला 12,000 का पेयर है, 10,000 और 12,000 का आपको इसका पेयर मिलेगा। ये जावा स्पैरोज़ है, आप लोग देखिए नज़दीकी से देखिए एकदम, क्या मतलब अलग ही, मतलब अच्छा लग रहा है देखने के लिए। शो पीस के लिए मन कर रहा है ले जाओ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें कहाँ पर ले जाए। मेरे पास भी जो है कैट है और पैरट्स है, वो ही बहुत परेशान करते, तो और क्या ही लेके जाए। और आप ये लोग ये देखिए पिजन वाइट कलर का, कितने प्यारे हैं ना, कितने क्यूट से लग रहे हैं। और भी काफ़ी सारे हैं, लव बर्ड्स है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, रंग बिरंगे काफ़ी, मतलब पालने के लिए लोग लेके जाते हैं, बहुत शौकीन शौकीन। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, देखो देखो इसके पैर पर भी पर है। तो देखो गाइस यहाँ पर ये जो बर्ड्स है कितना क्यूट लग रहे हैं, देखो। चाचा इनका नाम क्या है? अफ्रीकन लव बर्ड्स। इनका प्राइस क्या रहता है? 2,000 रुपये जोड़ी है, देखो 2,000 रुपये जोड़ी है। और ये ना एक्टिंग करते हैं, मतलब जैसे पैरट्स बोलते हैं ना, उनमें खासियत होती है बोलने की, ये एक्टिंग करते हैं। और ये देखो ये पिजन्स, जैसे इनका क्या प्राइस रहेगा?
इसका प्राइसिंग है 8,000 रुपये। ये देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है, और भी यहाँ पर है अलग अलग, ये देखो कितने खूबसूरत है। चाचा इनका नाम क्या है? कनूर बता रहे हैं चाचा इनका। ये क्या प्राइस में आता है? 7,000 रुपये जोड़ी, 7,000 रुपये जोड़ी। तो ये बोलता है, बात करता है ये? अच्छा ये कम बात करता है, ये ना एक्टिंग वगैरह और ये लोग जो शो पीस के लिए ज़्यादा रखते हैं, देखो एक्टिव रहते हैं ये लोग। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक्वेरियम भी है, और इसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल सी छोटी छोटी फिशेज हैं, शायद ही कैमरे में दिख रही होगी आपको ना, बहुत गौर करके देखनी पड़ेगी नज़दीकी से। और अंदर भी काफ़ी सारे एक्वेरियम है और उनके अंदर फिशेज है, और इनके जो है ना अंदर की सारी चीज़ें मिलती है, जैसे एक्वेरियम के अंदर डालने के लिए जो चीज़ें आती है वो सब भी मिलती है। तो आइए अंदर आपको दिखाते हैं। देखो अलग अलग वैरायटीज़ के आपको घर में रखने के लिए बहुत वैरायटीज़ के यहाँ पर फिशेस मिल जाएंगी, ये देखिए। और यहाँ पर भी है, आपको वैरायटीज़ दिखा रहे हैं। अभी ये थोड़ा ना बिजी है, कस्टमर्स है, तो इसलिए प्रॉपर प्राइस वगैरह और इसके नाम वगैरह जो है नहीं बता सकते, बस खाली आपको दिखा रहे अभी। ये देखो अलग अलग तरह की यहाँ पर फिशेज है, नीचे भी है, बहुत छोटी छोटी फिशेज है यहाँ पर। और यह इधर भी देखिए आप, पीछे यहाँ फिशेज है, ये देखिए। और फिशेज के अंदर ये जो भी सामान है ना वो सब भी आपको अलग से यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, सब इक्विपमेंट देखो वहाँ पर रखे हुए हैं, वो सब भी आपको अलग अलग जो भी चाहिए वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई अपन यहाँ पर आए हैं भाई के पास, तो यहाँ पर देखो भाई इसका क्या नाम है, कौन सी ब्रीड है ये? सिज़ू ब्रीड है। हाँ सिज़ू ब्रीड है। तो अभी ये कितने मंथ का है? ये 2 मंथ का, 2 मंथ का है। अच्छा इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहता है? इसकी प्राइसिंग है 16,000 रुपया। 16,000 रुपया एकदम अच्छी क्वालिटी का। ये देखिए गाइस आप, क्या बात है, एक बार एकदम क्लोजअप से देखिए आप, एकदम नज़दीकी से बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके ना बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, फेस पे भी बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। ये देखो फेस देखिए आप नज़दीकी से, ओहो क्या बात है। तो और भी भाई के पास है भाई, और कौन कौन सी वैरायटीज है आपके पास? ये देखिए गाइस आप, लैब्राडोर। ये देखिए गाइस अभी ये कितना बड़ा है? ये भी टू मंथ का है। क्या बात है, अभी तो और बड़ा होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये भी इसके भी बाल बड़े होते हैं? नहीं, ये इतनी साइज का रहेगा, इतनी साइज का रहता है। देख बड़ा क्यूट लग रहा है, काटेगा तो नहीं? नहीं नहीं, अरे भाई डर लगता है। मेरे पास कैट है, डॉग वगैरह कभी पाले नहीं तो कैट की आदत है। इसका क्या प्राइस रहता है भाई? 15,000 रुपये फीमेल है। 15,000 रुपये, अच्छा फीमेल है ये। अच्छा अच्छा ऐसा है, क्या बात है, बढ़िया लग रहा है, मस्त है, क्यूट फेस एकदम। इसमें और भी कलर है आते हैं, अवेलेबल होते हैं? कलर है। अच्छा दूसरा कलर भी है? अच्छा ब्लैक में है, बट ब्लैक इतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चॉकलेट कलर है, चॉकलेट कलर, ये थोड़ा ब्राउनिश भी है, ब्राउन है, चॉकलेट कलर हो गया ये। आप लोग देखिए इसमें और इसमें, वो मेल है क्या? वो फीमेल है, दोनों ही फीमेल, दोनों भी फीमेल है। ओके ओके, ये देखिए गाइस आप, ये दोनों 15,000 के अंदर आ जाएंगे। 15,000 में। अच्छा प्राइसिंग कम ज़्यादा भी होती रहती होगी मार्केट में? होती है ना। तो गाइस आपको अगर परचेस करने हो तो आप लोग आइए, हम लोग, आप शॉप नंबर क्या है भाई? 28 आप लोग आ सकते हो, 28 शॉप नंबर है। और भाई के पास और क्या चीज़ है, और कुछ दिखाने लायक है क्या अपने पास? वोडाफोन है। वोडाफोन के एड में दिखा देते इसको, ये देखो इसका नाम ही वोडाफोन है। वोडाफोन है उसकी एक्चुअली नाम है। क्या बात है, क्या बात है, पग। अरे हाय, अच्छा इसकी क्या प्राइसिंग रहती है भाई? इसकी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, ओहो चलो चलो सही है, सही है। ओके भाई, गाइस यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोग फाइनली इगुआना की शॉप पर आ गए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े इगुआनाज है भाई यहाँ पर। ये देखो भाई ने गेट खोल दिया है, और ये देखिए अभी थोड़ी देर में हम इसको निकाल कर भी दिखाएंगे। ये देखो ऑरेंज कलर में है और ग्रीन कलर में है, और ये नीचे जो है ये है अमेजोन पैरट, ये देखिए आप, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे बेबीज भी है इगुआना के, ये देखिए। तो भाई ये
ग्रीन कलर में है और ये अपना रेड है। ये अपन गिरगिट के जैसे लगता है बट ये ना रंग नहीं बदलता है ना भाई। ये एक फीट के और एक ये भी पड़ा है, दो फीट प्रॉपर पूरा नहीं है, डेढ़ फीट प्लस है। अच्छा, डेढ़ फीट का है ये। और वो अपना पीछे जो है वो वाला, ये वाला हाँ, ये ढाई फीट प्लस है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइज इग्वाना को मैं लेने वाला हूँ अपने हाथ पे। अरे बाप रे भाई। गाइज आप लोग देखिए कितना खतरनाक लग रहा है भाई। अभी वो अपने पास ही रखो जो ऑरेंज वाला है ना, वो बहुत बड़ा। ये कितने फीट का है? ये 3 फीट प्लस। 3 फीट प्लस फीमेल। ये देखिए गाइज, हाँ, क्या बात है। वैसे तो यार इसको घर में रख सकते हैं लेकिन ये बहुत डेंजरस है। जो ये मम्मी तो मेरे को घर से मार मार के बाहर निकाल देंगे इसको घर पे ले गए थे। और काफ़ी कॉस्टली भी रहता है। ये देखिए कितनी बड़ी इसकी पूंछ जो है, इसकी जो क्वालिटी है ना वो पूंछ पे रहती है। अगर इसकी पूंछ टूट जाती है ना तो इसके अंदर वो, भाई कहाँ जा रहे हैं, छोड़ दूँ भाई। इसके नाखून बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इसके नाखून भी भाई काटते हैं? अच्छा, कैट के काटते वैसे ही काटने पड़ते हैं। तो भाई आप लोग देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है ये ग्रीन कलर का। भाई इसके अंदर जो ये एक वो बात भी है ना, मैंने सुना है कि ये अपना वो स्केलिंग करते हैं, स्किन निकालता है तो अच्छा और स्किन आता है। हाँ, अच्छा कलर का। इसके बाद स्केलिंग करेगा उसकी साइज बढ़ते रहे, साइज बढ़ती रहती है। तो गाइस इसके अंदर एक बात और रहती है कि जैसे ये जो है स्केलिंग करता है, जिसकी खाल उतरती रहती है और नई खाल आती रहती है तो ये और खूबसूरत लगता है उस पर। ये देखिए आप नज़दीकी से यहाँ पर देख सकते हो, ये खाल उतर रही है ना, फिर अंदर से और निखर के आता है इसका कलर। और भाई ये ठीक से बैठा है ना? जी, गलत तो नहीं बैठा, प्रॉपर बैठा। गाइस ये देख सकते हो आप पीछे से, अरे ये तो मुंह पे आ रहे हैं। हाँ, उसको सर पे बैठने के, फिर पे बैठेगा। अरे भाई इसके जो मेरे पास पैरेट है तो जैसे उसके नाखून झुकते हैं ना वैसे इसके है, बट इसका पैर तो काफ़ी बड़ा है। जब पैरेट को बिठाते हैं वैसे ही है बिल्कुल, बट इसके नाखून भी काफ़ी ज़्यादा चुभ रहे हैं। ये देखो अभी यार ये भी ना नॉन वेज रहते ना, वेजिटेरियन रहते ना ये लोग, वैसे बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाते। देखने में जितने डेंजरस लगते हैं ना उतना ही प्यारा जानवर है। क्यों भैया ना? जी प्यारा था, जितना देखने में जितना डेंजरस है उतना ही प्यारा जानवर है। पालने के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बड़े बड़े लोग जो है, पैसे वाले लोग खरीदते हैं शॉप में शौक के लिए। ऐसे नॉर्मली तो कोई खरीद नहीं सकता, थोड़ा महंगा रहता है ये। अक्रॉस प्राइसिंग अगर बताएं तो नॉर्मली जैसे कितने तक का आ जाता है? नॉर्मली 40 अबव आता है। आप लोग यहाँ अगर आप लोगों को चाहिए मार्केट में आना है तो आप लोग शॉप पर आ सकते हैं। शॉप का नाम भाई? शॉप का नंबर है 26 है। 26 शॉप नंबर 26 शॉप नंबर 26 पे आ सकते हो। भाई के पास काफ़ी सारे इग्वानाज है, बेबीज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर भी बैठा हुआ है, सो रहा है ये। और एक मेरे सिर पर है, एक पीछे भी है, और एक ये भाई के हाथों में है। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा भाई। ये कितने फीट का है? ये 3.5 फीट प्लस है। 3.5 फीट प्लस है, मेल है। मेल है और ये मेरे ऊपर फीमेल है जी। खतरनाक लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? पकड़ो इसको, फीमेल है ना उसके। अरे भाई तो गाइस दोनों को एक साथ नहीं ले पा रहा हूँ मैं, नाखून बहुत चुभ रहे। अरे भाई ये देखो गाइस डर तो लग रहा है बट क्या करे, बट कुछ कहता नहीं है ये। बट मन में एक डर रहता है कि कुछ कह ना दे क्योंकि डेंजरस काफ़ी लगता है। फीमेल इतना डेंजर नहीं है, आप लोग देखिए मेल ज़्यादा डेंजरस लगता है देखने में। ये देखिए आप भाई खाने में क्या खाते हैं? खाने में सब कुछ खा लेते हैं, पम्पकिन होता है, पम्पकिन अपना सब वेजिटेबल्स वगैरह। जी, जी जी जो भी टोटली वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए। अच्छा सब खा लेते हैं। बट इतना बड़ा इग्वाना नहीं था वो, आप लोग जाकर के देख सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो भाई अभी जरा बाहर गए हुए हैं वरना वही प्राइसिंग वगैरह बताते, बट आपको जितना भी रहा थोड़ा बहुत हमने बताते। भाई इसके बारे में और क्या खासियत रहती है? बस एक स्वैग के लिए लोग पालते हैं, अपना शौक के लिए पालते हैं लोग ये देखो
अच्छा, कितने बड़ा तक हो जाता है और कितना बड़ा हो जाएगा ये? और ये अपना 6 फीट की फीमेल होती है, 5 फीट तक मेल होता है प्रॉपर। अगर डाइट दोगे तो 5 फीट तक मेल रहता है नॉर्मली, 4 फीट मेल एक फीट छोटा रहता है, 3.5-4 फीट तक तो नॉर्मली चले जाते। अच्छा अच्छा, क्या बात है। लो भाई पकड़ लो बस, अब बहुत हो गया। तो गाइस एक चीज जो कि बहुत ज्यादा खास है, मैं काफी वीडियोस में देख रहा हूँ, जिसके लिए स्पेशली मैं आया था इधर देखने के लिए, इगुआना के लिए। और इसके लिए ये देखो, अभी मैं इसको अपने हाथ पे ले रहा हूँ, ये देखो इसका नाम क्या है? इसका टैरेंटुला है, टैरेंटुला। ये देखिए गाइस नजदीक से, वैसे तो काफी छोटा है ये, क्लोजअप से देखेंगे तो अच्छा लगेगा, इसकी शायद अभी और ग्रोथ होगी। टैरेंटुला, क्या बात है। तो ये क्या आप जाले बना लेते हैं अपने घर में? हाँ, गाइस देख सकते हो भाई ने इधर इसके अंदर रखा हुआ है, ये देखो इसके अंदर थोड़े जाले वाले बनाए हुए होंगे इसके अंदर इसने, ये देखो ये काटता वेटता नहीं है जी? नहीं, नॉन मैनुअल सेट टोटली। क्या बात है, बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये गजब का लग रहा है, काफ़ी छोटा सा है वैसे तो। ए बाबू बात करता है भाई ये? नहीं नहीं, ये वाइल्ड है भाई, वाइल्ड है ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए, वो 8 साल का है। अच्छा अच्छा, 8 साल का है ये? जी जी हाँ। ये वैसा वो वाला अमेज़न नहीं है? माइंस अमेज़न में बहुत स्पीशीज है। हाँ हाँ हाँ, और ये सबसे टॉप पे स्पीशीज वाला है, सबसे टॉप पे वाइल्ड है ये वाइल्ड है, ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए मेल है, वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए मेल, काफ़ी खूबसूरत लगता है। फाइनली आप लोग देख सकते हो पैरट, आजा बेटे, अरे भाई आजा, हाँ आजा, वेरी गुड। ओह भाई ये कौन सा है, क्या नाम है इसका? ये मोलेकन रेड लॉरी है। मोलेकन रेड लॉरी जी, क्या बात है। ये बोलता है क्या? जी हाँ, ये एक से दो वर्ड, दो तीन वर्ड बोल, दो तीन वर्ड बोलता है आप तो बोला, बाकी ये प्लेफुल बर्ड है। मेरे पास से ना एक पाइनएप्पल है मेरे टेंट का। गाइस ये सबसे खास बात है कि ये पूरा वाइल्ड है, बाहर है लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा है, देखो मिल नहीं रहा तो वाइल्ड ही सोच रहे हैं। ये मेरे को काटने की कोशिश कर रहा है लेकिन बस नॉर्मल सा कर रहा है। वो हम लोग का साल भर का, 12 भर का, 12 महीने की तो नहीं है इसमें। सब बट काटते मैम, हम लोग घर में पूरा घूमता है। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फाइनली भाई आगे आगे हैं, अभी यहाँ पर है भाई के पास कैट्स। भाई आपका नाम क्या है? फरमान। फरमान भाई, शॉप नंबर 51। 51, तो भाई यहाँ पर आपको भाई के पास कैट मिलेगी। भाई कौन कौन सी, क्या पर्शियन कैट्स है कि क्या अलग अलग नाम है? पर्शियन कैट है भाई, क्लासिक लॉन्ग हेयर है। अच्छा, और पर्शियन है, क्लासिक लॉन्ग हेयर पर्शियन, सब एक ही है ये? हाँ, अलग अलग उसमें बच्चे, मतलब जैसे ये वाला हुआ अभी ब्लू ओड है इसका है। अभी देखो गाइस इसकी आंखें जो है अलग अलग है। ये पर्शियन कैट है, पर्शियन कैट प्रॉपर पर्शियन। ये 5000 का है, ये 5000 का है। और ये वाला पर्शियन है, डॉल फेस है, डॉल फेस है, डबल कोटिंग का बच्चा है। अच्छा अच्छा, 3500। अच्छा, और ये अपन जैसे ये वाला, ये भी डॉल फेस है ना? हाँ, डबल कोट है, डबल कोट 4000 में। और भी बाकी उधर पड़े हुए हैं, वो सब यही वाले है क्या? व्हाइट वाले जो है सब एक ही है? हाँ, ये वाला भी डॉल फेस है। हाँ, डॉल फेस है, 3000 रुपये। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। और ये वाले जो है थोड़े से बड़े बच्चा है, क्लासिक लॉन्ग है। अच्छा, क्लासिक लॉन्ग, ट्रिपल कोट है, 3 कोट का बच्चा है, 3 कोट का बच्चा है। चलिए बहुत बढ़िया, 5500 रुपये, 5500 रुपये। देखो गाइस आप देख सकते हो इनकी ना, जैसे इस वाले की ना आइज का कलर जो है अलग अलग है, और देखने में काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। ये देखो भाई बाहर ना जाए। और भाई आपके पास डॉग वगैरह भी? सब डॉग मिल जाएगा ऑर्डर पे, अभी तो पोमेरियन। अच्छा, अभी ये पोमेलियन वाले है खाली? हाँ, बाकी सब ऑर्डर पे, कोई भी डॉग ऑर्डर पे सब आ जाता है। हस्की हो गया, लैब्राडोर हो गया, सिज्जू हो गया, अच्छा पिटबुल हो गया,
सो गाइस आप आ सकते हो मार्केट में, आपको शॉप नंबर तो बता दी, आप लोग आकर के भाई के पास मिल सकते हो। ये देखो भाई के पास ये अभी तो फिलहाल ये है, बाकी सब जो है अवेलेबल हो जाता है, आप ऑर्डर पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखो मिनीचर पॉम है, मिनीचर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, छोटा ही रहेगा। अच्छा ये क्या प्राइस में रहता है? ये 6000 का, जो छोटा वाला सादा आता है लंबे फेस का रहेगा वो तुम्हारे को 3000 में मिलेगा। अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। और ऊपर अपने पास बड़ी वाली पर्शियन कैट भी है ना? हाँ पर्शियन कैट है, बड़ी वाली पंच भी है, पंच वाली बड़ी है और पर्शियन वाली भी है। 6 महीने ये कितने प्राइस की है ये बड़ी वाली? साहब पंच लेने जाएंगे तो ऑर्डर पे 18000 रुपए है, अपने पास अवेलेबल है 7000 रुपए में। अच्छा ट्रिपल कोटिंग का बच्चा। बड़ी वाली का प्राइसिंग ज्यादा है, छोटी वाली का 3-4 हजार 5 हजार में अवेलेबल हो जाएगा आपको। ये देखिए गाइस आप डॉल फेस बोलते हैं, एकदम वैसा है स्टुअर्ट लिटिल में था ना वो बिल्ला, वैसा लग रहा है बिल्कुल ये। अरे ये है, ये वाला खूबसूरत लग रहा है, ये डॉल फेस है, ये डॉल फेस है 3000 में, 3000 में सही है, बढ़िया है। तो गाइस ये टर्टल का प्राइस है 400 रुपए का, एक पीस है। ये देखो छोटे छोटे हैं ये सब। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपको रैबिट्स भी मिल जाएंगे, अलग अलग कलर्स में है, कितने क्यूट लग रहे हैं। भाई क्या प्राइसिंग है रैबिट का? हाँ 1000 रुपया, ओहो क्या बात है। यहाँ पर छोटे छोटे भी है। तो गाइस फाइनली मार्केट में आपको पैट्स तो दिखा दिए, लेकिन पैट्स के लिए जो फूड होता है और खेलने के लिए चीज़ें और सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी की और काफ़ी सारी शॉप है, लेकिन आप लोग यहाँ से आओगे तो आपको काफ़ी सही मिल जाएगा। ये हमारे अजीत भाई है, ये शॉप के ओनर है। भाई शॉप नंबर क्या है आपका? 5857 आप लोग ऊपर देख सकते हो। और यहाँ पर जो है पैरट से लेके कैट डॉग के लिए जो है खाने पीने की आइटम और जो खेलने कूदने की चीज़ें होती है ना सब अवेलेबल है। आप अंदर आइए आपको दिखाते हैं। अजीत भाई आपके पास जैसे पेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो जाती है? मेरे पास डॉग कैट बर्ड फूड ऑल टाइप्स के जितने एनिमल्स है का ऑल फूड आपको होलसेल में पैन इंडिया में अपना डिलीवरी फॉर पॉसिबल है। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। डिलीवरी का चार्जेस है कुछ का? डिलीवरी चार्ज तो पे करना पड़ेगा, मगर लीटर पर रहेगा, उसमें हम लोग सर्विस पूरा देगा प्रॉपरली। अच्छा अच्छा, तो गाइस कुछ भी जैसे फूड वगैरह रहता है तो आप लोग मंगा सकते हो। वैसे अभी जो है अभी प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहा है, इसके ऊपर आप कमेंट करना, एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, हर एक चीज़ आपको बताएंगे, एक प्रॉपर वीडियो इसी पर होगी। डॉग के फूड होते हैं, कैट के फूड होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, और जैसे खेलने कूदने की आइटम्स भी होती है, जैसे कैट का हो गया, बर्ड का हो गया, ये देखो सब का हो गया। यहाँ पर बर्ड्स का फूड भी है, कैट का भी है, डॉग का भी है, और यहाँ पर मार्केट में जो है चूहे भी मिलते हैं, ये देखो उनका फूड भी है, हर तरह का फूड मिलता है। और एक्सेसरीज में तो अपना है ना, एक्सेसरीज का होलसेल है पूरा। अच्छा। पूरा पेट शॉप वाले भी हमारे से परचेस करके सेल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है, होलसेल में भी ले सकते हो गाइस आप। आपको टोटल आपको इंडिया मार्ट पे भी अपना है, अमेजोन पे भी है। देखो सारी एक्सेसरीज खेलने की जो है, खेल कूदने की जो है, बच्चों के जैसे जैसे इंसानों के बच्चों के आइटम मिलते हैं ना, वैसे इन सब के मिलता है, खेलने कूदने की बॉल है और कंघे मिलते हैं। मतलब इतना खर्चा तो यार इंसान का नहीं है जितना इन सब लोगों का है, कंघे और भाई शैम्पू और नेल कटर काटने के लिए, मतलब नेल्स काटने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो भाई बहुत ज़्यादा खर्चा है ये शॉप करने के लिए भी। मेरे पास भी कैट्स है, मेरे को मालूम है कि यहाँ से लेके जाना पड़ता है। तो बस गाइस आज जितना भी हो सका आपको सारी चीज़ें दिखा दिए, पैट्स भी दिखा दिए, लेकिन पैट्स काफ़ी सारे लोग जो है ये चीज़ें नहीं दिखाते होंगे, पैट्स तो दिखा देते होंगे बट पैट के लिए क्या खाना पीना है वो सब भी मैंने आपको दिखा दिया। प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको आकर के बना दूंगा। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करता है, होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।